हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल साइंस विथ लक्ष्मीकांत आज हम फिजिक्स के थाउजेंड से भी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये दो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है और चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो सभी एक एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स तो न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर कौन है रॉदर फोर्ड फादर ऑफ़ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर है होमी जहांगीर भाभा टू टाइप्स ऑफ यूनिट तो यूनिट के कितना टाइप का होता है दो टाइप का फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट फंडामेंटल यूनिट सेवन फंडामेंटल यूनिट होता है फंडामेंटल यूनिट कैन बी एक्सप्रेस इन थ्री काइंड ऑफ मेजरिंग सिस्टम सर्चार्ज सी जी एस एम के एस एंड एफ पी एस सिस्टम द यूनिट हुई आर डिराइ फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट इज़ कॉल्ड डिराइव यूनिट मोडिफाइड फॉर्म ऑफ एम के सिस्टम इज कॉल्ड एस आई बिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ग्लोबली अप्रूव फ्रॉ फॉर्म ऑफ यूनिट सिस्टम इज एसआई सिस्टम फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इंटू स्कालर क्वांटिटी एंड भेक्टर क्वान्टिटी वेक्टर क्या होता है जिसका मास और डिरेक्शन होता है और स्कालर क्या होता है जिसका डिरेक्शन नहीं होता है फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डिरेक्शन इज कॉल्ड स्कालर क्वांटिटी और कौन कौन स्कालर क्वांटिटी होता है मास लेंथ टाइम ये सब स्कालर क्वांटिटी होता है मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डिरेक्शन नहीं होता है फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि वेलोसिटी मोमेंटम फोर्स ये सब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स इज इन कौन सी फॉर्म में है प्लाज्मा फॉर्म में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ नोन एज बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंस और चौथी मैटर क्या होता है प्लाज्मा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाज फास्ट प्रेडिक्टेड बाय सत्येंद्रनाथ बोस एंड आलबर्ट आइंस्टाइन सत्येंद्रनाथ बोस ये इंडियन है द प्योर बोस आइंस्टाइन वाज फास्ट क्रिएटेड बाय एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल वेमन द क्वार्क मॉडल ऑफ मैटर वाज डिस्कवर्ड बाय मूरे गेलमैन एंड जॉर्ज सिक ये क्वार्क मॉडल क्या मैटर जो होता है ये इसको डिस्कवर करे हैं द पार्टिकल मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड ग्लूकोन्स इज नोन एज हार्डोन्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ हार्डन्स आर प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन द एनर्जी कैरियर इन द मैटर इज बोजन्स बोजन्स हुईच कैरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर कॉल्ड फोटन्स बोजन्स हुईच कैरी व्हीिक न्यूक्लियर फोर्स इज नोन एज डब्ल्यू एंड जेड बोजन्स बोजन्स हुईच कैरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड ग्लूकॉन्स हिक्स बोजन वॉज डिस्कवर्ड ऑन टू थाउजेंड ट्वेल्व पार्टिकल हुई इज नोन एज गॉड पार्टिकल इज कॉल्ड हिक्स बोजन हिक्स बोजन को हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं द पार्टिकल which give the property of mass to the matter is known as Higgs boson. The particle which is considered the building block of all life is known as Higgs boson. Higgs boson was discovered at CERN. The Indian scientist related to the term boson was Satyendranath Bose. यूनिट ऑफ वर्क वर्क का यूनिट क्या होता है जूल और न्यूटन मीटर इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ऑर्ग वन जूल इक्वल टू टेन टू द पावर सेवेन ऑर्ग वन जूल इक्वल टू टेन टू द पावर सेवन ऑर्ग तो वर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन और मीटर और जूल द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम और ये रेट ऑफ डूइंग वर्क को वर्क की जो रेट होता है डूइंग रेट इसको पावर बोलते हैं और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपन टाइम यूनिट ऑफ वर्क इज वाट और जूल पर सेकेंड पावर इज ए स्कालर क्वांटिटी मतलब पावर का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डिरेक्शन नहीं होता है पावर इज मेजर्ड इन हॉर्स पावर तो पावर को किससे मेजर करते हैं हॉर्स पावर से और एक हॉर्स पावर इक्वल टू सेवेन फोर सिक्स वाट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप याद रखिए वन हॉर्स पावर इक्वल टू सेवेन फोर सिक्स वाट द कैपेसिटी टू डू ए वर्क इज कॉल्ड एनर्जी तो वर्क करने की जो कैपेसिटी होता है इसको एनर्जी कहते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड जूल तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल द एनर्जी डेवलप्ड ऑन ए बॉडी होने वर्क डन ऑन दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी द टू टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जो एनर्जी प्रोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम भी स्क्वायर जिस पर ये एम है मास और भी है वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा दो का स्क्वायर तो ये फोर टाइम्स हो जाएगा इफ द मास ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी इज डबल क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर तो जब हम मास को डबल कर देंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी को जब हम डबल कर देंगे तो ये दो का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी चार हो जाएगा एनर्जी प्रोजेस्ट बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इज कॉल्ड तो पोजिशन से जो एनर्जी पैदा होता है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच जहाँ पर कि एम मास होता है जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच होता है हाइट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंप्रेस्ड स्ट्रिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी तो स्ट्रिंग में जो एनर्जी होता है ये पोटेंशियल एनर्जी होता है क्योंकि ये बॉडी कॉन्स्टेंट में है इसीलिए इस पर पोटेंशियल एनर्जी होता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए वाटर रिजर्वियर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये मोशन में नहीं होता है अगर ये मोशन में होता है तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए ग्राउंड लेवल इज तो ग्राउंड लेवल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जीरो होता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस आज़ द हाइट इंक्रीजेस तो अगर हाइट बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। हो इन ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द अर्थ इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस मतलब जब एक बॉल फ्री फॉल होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी इट पुट फॉरवर्ड बाय तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इस एस थियोरी किसने दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी और इसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर जिसमें ई e होता है एनर्जी और एम होता है मास और सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट आइंस्टाइन प्रपोज द स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इन कौन सी ईयर में दी थी नाइनटीन फाइव में आइंस्टाइन प्रपोज द जेनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915. फिफ्टीन द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इज कॉल्ड मोशन तो मोशन किसे कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम से ये इसका पोजिशन चेंज करता है तो इसे हम मोशन में रहता ऑब्जेक्ट मोशन में है ये हम कह सकते हैं एक्चुअल लेंथ ट्रावल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड तो जो लेंथ एक बॉडी लेंथ ट्रैवल करा है इसे क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज हुए दे आर एट रेस्ट और इन मोशन इज डील्ड विथ मेकैनिक्स मेकैनिक्स इज डिवाइडेड इंटू टू दे आर स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स स्टैटिक होता है जो रेस्ट में होता है और डायनामिक होता है जो मोशन में होता है द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायनामिक तो स्टैटिक्स रेस्ट में होता है और डायनामिक मूविंग ऑब्जेक्ट में होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम भी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी यूनिट ऑफ मोमेंटम तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है मास का होता है के जी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड तो इसका यूनिट होता है के जी मीटर पर सेकेंड ए कोराटे प्लेयर इन ऑर्डर टू ब्रेक ए ब्रिक हिट्स क्विकली बिकॉज ऑफ मोमेंटम क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है क्योंकि ये मोमेंटम के लिए आइजक न्यूटन प्रोपाउंडेड हिच लॉ ऑफ मोशन इन हिच कौन सी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिया मैथमेटिका प्रोप्यूलजन ऑफ रॉकेट इज एक्सप्लेन बाई लॉ ऑफ मोशन तो रॉकेट ये कौन सी रॉकेट जो होता है ये कौन सी प्रिंसिपल में आता है न्यूटन का थर्ड लॉ में और ये थर्ड लॉ क्या करता है एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन स्विमिंग इज एक्सप्लेन बाय हुइच लॉ ऑफ मोशन तो ये स्विमिंग क्यों होता है थर्ड लॉ के लिए क्योंकि एवरी एक्शन तो इसीलिए जो हम एक्शन देते हैं तो पानी से रिएक्शन होकर ये हमें फोर्स देता है तो हम स्विमिंग कर पाते हैं फ्लाइंग ऑफ बार्ड्स इज एक्सप्लेन बाय हुइच ऑफ ऑफ मोशन ये सब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए सब एक्सप्लेन होते हैं ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी व्हिच इज ऑन टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया तो इनर्शिया क्या होता है एक बॉडी एक बॉडी में जब फोर्स नहीं अप्लाई होता है तो ये उसका पोजीशन चेंज नहीं करता है इसको हम इनर्शिया बोलते हैं द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो तो इनर्शिया की लॉ किसने दी थी गैलीलियो ने हुईच आर द थ्री टाइप ऑफ इनर्शिया तो इनर्शिया क्या क्या होता है ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन एंड इनर्सिया डिरेक्शन ये तीन इनर्सिया होता है एंड एथलेट्स राउंड सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जम्प इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्सिया मोशन इसीलिए फोर्स ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग जम्प कर पाएगा एथलेट ने ये ऑफ मोशन के लिए होता है आज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग ए मैन सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड इज एन एग्जाम्पल तो ट्रेन पहले रेस्ट में थी और जब ये मूविंग करता है तो जो मैन सिटिंग होता है ट्रेन के अंदर ये क्यों बैकवर्ड झुक जाता है क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए रोटेटिंग व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल थ्रो आउट मॉड ट्रांजेंटली आउटवर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डिरेक्शन इफ ए रोटेटिंग बॉडी स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इट्स मोशन इज कॉल्ड तो ये कौन सा मोशन होता है स्पिन मोशन और रोटेशन मोशन अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हो इन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिवोल्यूशन तो एक ऑब्जेक्ट जब अनादर एक ऑब्जेक्ट के बगल में ट्रैवल करता है तो इसे रिवोल्यूशन बोलते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए वर्टिकल प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज तो इसे कौन सा मोशन कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल पाथ इज नोन एज ट्राजेक्टोरी तो प्रोजेक्टाइल पाथ को क्या कहते हैं ट्राजेक्टोरी ए प्रोजेक्टाइल रिचेस मैक्सिमम रेंज हो एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज आट फोर्टी फाइव डिग्री तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फोर्टी फाइव डिग्री होगा तो प्रोजेक्टाइल ये मैक्सिमम रेंज को रीच कर पाएगा द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज ए पैराबोलिक पाथ एन इन्फ्लुएंस दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट इन स्ट्रेट लाइन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड तो इसे क्या कहते हैं फोर्स कहते हैं और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू यूनिट ऑफ फोर्स ये होता है न्यूटन और के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सी यूनिट ऑफ फोर्स होता है डाइन तो वन न्यूटन वन न्यूटन के, के, कितना डाइन होता है टेन टू पावर फाइव डाइन होता है वन न्यूटन स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स इज न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स क्या होता है ग्राविटेशनल फोर्स फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स फोर्स व्हिच एक्ट ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्री फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर एम भी स्क्र डिवाइडेड बाय आर ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है द फोर्स रिक्वायर्ड बाय ए व्हीकल मूविंग इन मूविंग राउंड ए कॉर्ब रोड इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स क्योंकि एक कॉर्ब सरफेस को घूमना चाहता है तो ये सर्कुलर पाथ मोशन में होता है तो इसे सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ एंड इज डिरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड सेंट्री फ्यूगल फोर्स तो सेंट्री पेटल फोर्स में ये टूअर्ड्स होता है और सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स में ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है द फोर्स दैट हेल्प्स टू सेपरेट क्रीम फॉर्म फ्रॉम मिल्क इज नोन एज सेंट्री फ्यूगल फोर्स कैपेबिलिटी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस इज नोन एज टॉर्क फोर्स दैट रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है जो कि एक फोर्स होता है जो कि रेजिस्टेंस पैदा करता है मूवमेंट ऑफ़ वन सरफेस ओवर अनदर द सब्स्टेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन मूविंग सरफेस तो ये क्या कहता है लुब्रिकांट्स होते हैं जैसे कि ग्रीस ऑयल एंड ग्राफाइड ये सब लुब्रिकांट ऑब्जेक्ट होते हैं फोर्स एक्ट्स इन ए डिरेक्शन अपोजिट टू द डिरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अकर्स वेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर और रॉब टूगेदर इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होन टू बॉडीज रोल वन अनादर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑनलाइट मोलिक्यूल्स इज टॉर मार्च आडेसन तो इसे आडेसिव कहते हैं जो कि ऑनलाइट मोलिक्यूल को जो ऑनलाइट मोलिक्यूल में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसे अड्डेसिव कहते हैं और लाइट like मॉलिक्यूल में जो होता है इसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं वाटर ड्रॉप्स स्टिक ऑन ग्लास सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आदेशन फोर्स तो ग्लास सरफेस में जो वाटर ड्रॉप होता है ग्लास सरफेस एक मॉलिक मॉलिक्यूल होता है और वाटर सरफेस वाटर ड्रॉप भी एक मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑनलाइक पार्टिकल्स हैं तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इसे आदेशन कहते हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिट्वीन लाइक मॉलिकुल इज कॉल्ड कोहेशन कोहेशन और कोहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोहेसिव क्योंकि ये लाइट like पार्टिकल होते हैं वाटर मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल ये लाइक like पार्टिकल्स होते हैं और इस इसमें कोहेसन फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन पाराला लेयर्स ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड भिस्कोसिटी तो भिस्कोसिटी क्या होता है जो कि लिक्विड के पैराला लेयर में जिस फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसे हम भिस्कोसिटी कहते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड पोएच तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है पोएज विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी इज डिक्रीजेस तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घट जाएगा विस्कोसिटी ऑफ गैस इज लेस देन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड तो विस्कोसिटी ऑफ सॉलिड इज सबसे ज़्यादा होता है और इसके बाद लिक्विड और इसके बाद गैस जो कि गैस का विस्कोसिटी सबसे कम होता है भिस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज जीरो तो आइडियल फ्लूइड का भिस्कोसिटी क्या होता है जीरो होता है लिक्विड्स हैविंग लो भिस्कोसिटी आर कॉल्ड मोबाइल लिक्विड तो जिसका भिस्कोसिटी लिक्विड का जो लिक्विड का भिस्कोसिटी सबसे कम होता है इसे हम मोबाइल लिक्विड कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है वाटर कीरोसिन अल्कोहल पेट्रोल ये सब मोबाइल लिक्विड्स होते हैं जिसका भिस्कोसिटी लो होता है फ्लुइड्स फ्लो विथ जीरो भिस्कोसिटी इज कॉल्ड सुपर फ्लूइड जिसका फ्लूइड जो फ्लो करता है जब जीरो भिस्कोसिटी से ये फ्लो करता है इसे हम सुपर फ्लूइड्स कहते हैं जैसे कि हनी कोल्टर ग्लिसरिन एक्सेट्रा द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक्ट्स लाइक ए स्ट्रेचर्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन इज कॉस्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन क्यों होता है क्योंकि अनबैलेंस मोलिकुलर कोहेसिव फोर्स के लिए सरफेस टेंशन होता है सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर तो सरफेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर और प्रेशर के सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर तो कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है हॉट वाटर से इंसेक्ट्स वाक वर्किंग ओवर द वाटर सरफेस कैन बी एक्सप्लेन बाय सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर स्पीयरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स कैन भी एक्सप्लेन बाय तो वाटर ड्रॉप स्पीयरिकल होता है क्योंकि ये सरफेस टेंशन के लिए कैपिलरी फेनोमेन इज ड्यू टू ये भी सरफेस टेंशन के लिए होता है राइज ऑफ वाटर लेवल इन प्लांट्स इज ड्यू टू सरफेस टेंशन तो ये सब कैपिलरी एक्शन राइज ऑफ वाटर लेवल इन प्लांट एंड स्पीयरिकल शेप ऑफ रेंड्रॉप ये सब सरफेस टेंशन के लिए होता है एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी क्या होता है तो बॉडी इसमें इलास्टिसिटी जो होता है ये एक बॉडी का एबिलिटी होता है जिससे कि ये इसका ओरिजिनल शेप को रिटर्न कर सके द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपन एरिया द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल तो प्रेशर का ऐसा SI यूनिट क्या होता है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन तो थ्रस्ट का यूनिट होता है न्यूटन सी जी एट्स सी जी एस यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर फोर्स आर्ट्स मोर ऑन ऑब्जेक्ट्स हैविंग तो किसमें ज़्यादा फोर्स होता है लोअर सरफेस एरिया तो जिसका सरफेस एरिया कम होता है इसमें ज़्यादा फोर्स एक्ट होता है एटमोस्पियरिक प्रेशर क्या होता है सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तो एक एटमोस्पियरिक प्रेशर क्या होता है सेवन सिक्स जीरो एम एम ऑफ मर्क्यूरी यूनिट ऑफ एटमोस्पियरिक प्रेशर इज कॉल्ड वन बार तो वन बार कितना होता है टेन टू पावर फाइव पास्कल होता है प्रेशर एट सी लेवल इज टेकन एज द स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर तो जो सी लेवल से जो प्रेशर होता है इसको हम स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं बारोमीटर इज यूज टू कैलकुलेट तो बारोमीटर से क्या कैलकुलेट होता है एटमोस्पियरिक प्रेशर तो इसे पूछा जाए कि इंस्ट्रूमेंट हुई इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज तो इसका आंसर होगा बारह द लिक्विड यूज इन बैरोमीटर तो बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज होता है मर्क्यूरी लिक्विड यूज होता है सडनली फॉल ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन बैरोमीटर मीटर इंडिकेट स्ट्रॉम तो जब सडन मर्क्यूरी लेवल बैरोमीटर में फॉल हो जाएगा तो ये क्या इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग राइजिंग लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर इंडिकेट्स काम क्लाइमेट तो जब राइजिंग करता है बैरोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल तो ये क्या इंडिकेट करता है कि क्लाइमेट अच्छा है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ तो एनी टू बॉडीज़ दो बॉडी में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं ग्राविटेशनल फोर्स कहते हैं अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लॉ ऑफ ग्राविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय तो ग्राविटेशन की लॉ किसने दी थी ये न्यूटन ने दी थी सार आइजक न्यूटन विकेस्ट फोर्स क्या होता है ग्राविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा विकेस्ट होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या होता है ये न्यूक्लियर फोर्स होता है द फोर्स कीप्स द अर्थ एंड अदर प्लानट ऑब्जेक्ट इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन ये क्यों होता है ये ग्राविटेशनल फोर्स के लिए होता है द असिलेशन विथ which the फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ आर अट्रैक्टेड towards the earth इज कॉल्ड acceleration due to gravity और इसका आ, जो फॉर्मूला क्या होता है नाइन पॉइंट एट इसका वैल्यू होता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी वेट ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज तो फ्री फॉल जो बॉडी होता है इसका वेट होता है जीरो एट द सेंटर ऑफ आर्थ ऐसी ड्यू टू इज कॉल्ड ज़ीरो तो सेंटर में आर्थ की सेंटर में आसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है जीरो होता है आसिलेरेशन ड्यू टू ग्राविटी इज मैक्सिमम आर्थ तो पोलर रीजन में आसिलेशन ड्यू टू ग्राविटी ज़्यादा होता है और सबसे कम किस रीजन में होता है ये इक्वेटोरियल रीजन में आसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय तो ये न्यूटन ने दी थी द जी इज मैक्सिमम ऑन जुपिटर एंड मिनिमम ऑन द प्लानट ऑफ मॉर्क्यूरी तो ऐसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं और ये जुपिटर में मैक्सीम होता है और मर्क्यूरी प्लानट में कम होता है एस्ट्रोनॉट कैन नॉट ड्रिंक लेमन विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज देयर इज नो एटमोसफियर ऑन द मून तो मून में एटमोसफियर नहीं होता है तो इसीलिए आस्ट्रोनॉट ए, कौन सी भी चीज़ ड्रिंक नहीं कर सकते हैं मिनिमम स्पीड हुई इज हुई ए बॉडी मोस्ट हैव टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी तो आर्थ के एटमोस्पियर से बाहर होने के लिए जो मिनिमम स्पीड चाहिए उसे हम क्या कहते हैं एस्केप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज इच 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड तो जब हम मून की एटमॉस्फेयर से 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएंगे तो हम मून की एटमॉस्फेयर से हम बाहर हो जाएंगे लेकिन इससे कम होने से ये नहीं हो सकता है ऐसे ही अर्थ का स्केप वेलोसिटी क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसी स्पीड से जब हम अर्थ की एटमोस्फियर से बाहर जाना चाहते हैं तो ये इतनी स्पीड हमको रखना चाहिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट जुपिटर इज सिक्सटी किलोमीटर पर सेकेंड ऐसे ही, ही मर्क्यूरी का फोर पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स इंक्रीज उथ हीट्स तो मास इंक्रीज होने से एस्केप वेलोसिटी भी इंक्रीज होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइट लाइट की स्टडी को क्या कहते हैं ऑप्टिक्स कहते हैं लाइट एक क्या होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसवर्स वेव होता है तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसवर्स वेव होता है लाइट ट्रैवल्स थ्रो एयर और वैक्यूम एट ए स्पीड ऑफ वन जीरो वन जीरो एट मीटर पर सेकेंड सॉरी ये ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तो वैक्यूम्स में ज्यादा होता है लाइट का स्पीड इसके बाद एयर इसके बाद ग्लास और वाटर वाटर में सबसे कम होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन गैट ऑफ साउंड तो लाइट की स्पीड लाइट की वेलोसिटी साउंड से ज़्यादा होता है लाइट रिचेस अर्थ फ्रॉम सन इज एट मिनट एंड ट्वेंटी सेकेंड सब्सटेंस व्हिच डू नॉट पास लाइट थ्रो देम आर कॉल्ड ओपा क्यू सब्सटेंस तो पेपर ये सब पेपर से लाइट पास नहीं होता है तो इसे हम किस सब्सटेंस कहते हैं इसे हम ओप्पा क्यू सब्सटेंस बोलते हैं सब्सटेंस व्हिच अलाउ लाइट टू पास थ्रो देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जैसे कि ग्लास ग्लास में लाइट पास हो सकता है इसे हमें ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहते हैं वेब थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रोपोज बाय हाइजिन्स वेब थ्योरी किसने दी थी हाइजिन्स ने दी थी तो आज हम 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और पार्ट टू में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत